सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से डार्क टोस्ट के एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन एपिसोड में। और नेटफ्लिक्स की ट्रायलॉजी मूवी सीरीज का एक फाइनल एपिसोड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको ये सीरीज पूरी तरह से समझ आ सके। तो यार, थर्ड और फाइनल एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट खत्म हुआ था। तो फाइनल एपिसोड में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें वही सेम कैरेक्टर रहते हैं जो हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने देखे थे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि उनके नेम चेंज होते हैं, जिसकी एक्नॉलेजमेंट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यार, कहानी की शुरुआत सराह फेयर से होती है, जो अपने गाँव के रास्ते से जा रही होती है, और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने सभी फ्रेंड से मिलते हुए जाती है, जिनसे ये कुछ इशारों में बात करते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि आज की रात कुछ स्पेशल है और इन्होंने जंगल जाने का प्लान बनाया है, ताकि वहाँ मौजूद विडो के घर से ये कुछ बेरीज को चुरा कर ला सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये उस रास्ते से अपने फियोंसे सेलेमोन गुड के घर पहुँच जाती है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सेलेमोन गुड कोई और नहीं बल्कि शेरिफ निक गुड का ही पूर्वज है, यानी कि कह सकते हैं कि हम सेलेमोन गुड की नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन का ही एक हिस्सा है शेरिफ निक गुड। अपने फियोंसे सेलेमोन गुड से मिलने के बाद यह अपनी फ्रेंड हना मिलर और लिजी के साथ यह उस विडो के घर पहुंचते हैं और वहां उस बेरीज को ढूंढने लगते हैं। पर यहां पर सराह फेयर की नज़र उन काले जादू की चीज़ों पर पड़ जाती है जिसे वो देखने लगती है, और उसकी नज़र एक शैतान की किताब पर पड़ती है जिसे वह पढ़ने लगती है। पर यहां पर तुरंत ही विडो आ जाती है और विडो उसे वार्न करती है कि वह उससे दूर रहे, क्योंकि शैतान इसी किताब में रहता है और वह उसे महसूस कर सकता है। और इतने में यहाँ पर लिजी और हना वहाँ आ जाते हैं और उसे लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं और उस जश्न वाली जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ बाकी के फ्रेंड्स भी उसका वेट कर रहे थे। जिसके बाद ये सभी उन बेरीज को खाते हैं जो असल में नशीली होती है, और बाकी के लोग भी वहाँ नशे में होते हैं जो जश्न का मज़ा ले रहे थे। पर यहाँ पर ठरकी सेलेव हना को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर सराह फेयर उसे छुड़ाती है और उसे थप्पड़ जड़ देती है ताकि ये गलती वह दोबारा ना दोहरा पाए। जिसकी ठरक का नमूना सब लोग वहाँ पर देख भी लेते हैं और सेलेव का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजाक बन जाता है। जिसके बाद ये दोनों अलग सुनसान जगह जाते हैं जहाँ एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और रोमांस करने लगते हैं, पर अचानक उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है तो वहाँ से भागकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पर लेस्बियन होना या गे होना या आप जो भी कह लीजिए एक पाप होता था, क्योंकि यह सब कुदरत के खिलाफ होता था। पर यहाँ जब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं तो यहाँ तो थॉमस उन्हें देख लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हना मिलर वहाँ आती है और सराह को बताती है कि उसके फादर को कुछ हो गया है। वह बताती है कि वह काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर कोई और ही आ गया हो। हना को लगता है कि ये सब उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसी का नतीजा है। जिसके बाद यहाँ पर हना की मॉम ग्रेस मिलर भी आ जाती हैं, जो सराह को काफ़ी बुरा भला कहती हैं और बताती हैं कि थॉमस ने तुम दोनों को रात को देख लिया था और वह पूरे गाँव में ढिंडोरा पीट रहा है। वह सराह को हना से दूर रहने को कहती है और डायन बोलकर बाहर फेंक देती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात अपने फादर से होती है, जिसमें वह कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक लड़के की तरह पाला, निडर बनाया और कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी। वह कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि तुम में कुछ तो अजीब बात है, पर अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें कभी ऐसा ना बनने देती, यह सब मेरी गलती है। जिसके बाद दूसरी तरफ सराह फेयर देखती है कि पूरे गाँव की फसल खराब होने लगी है, फल सड़ रहे हैं और जानवर बेकाबू हो गए हैं, और दूसरी तरफ कुएं का पानी जहरीला हो गया है क्योंकि उसमें मरा हुआ कुत्ता निकलता है। यहाँ हम देखते हैं कि थॉमस सराह फेयर की तरफ इशारे करते हुए गांव वालों को लेक्चर देता है कि किसी की हवस या उसकी गलती की वजह से यहाँ पर शैतान का साया आ गया है जो यहाँ पर सबको बर्बाद कर देगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ हम देखते हैं कि सेलेमोन गुड सराह फेयर से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और सराह उसे सब कुछ बता देती है कि वह एक अजीब लड़की है। सेलेमोन के पूछने पर वह खुलकर बताती है और कहती है कि वह हना को पसंद करती है और उससे प्यार करती है, जो कि बहुत अजीब भी है। और यहाँ पर वह खुद को मनहूस बताती है। वह कहती है कि शायद उस रात कोई शैतान होता है वहाँ पर जो उसके अंदर आ गया है, और उसी की वजह से यहाँ पूरे गांव में ये मनहूसियत फैल रही है।
पर सैलमन गुड काफ़ी समझदार और अंडरस्टैंडिंग होता है। वह उसे शांत करता है और कहता है कि शैतान कभी भी खुद से नहीं आते हैं, बल्कि उन्हें पूरे होशो हवास में आगे बढ़ करके बुलाया जाता है और इसके पीछे कोई और है। जिसके बाद गांव में शोर होता है और यहां हमें पता चलता है कि साइरस मिलर सभी गाँव के बच्चों को लेकर के खुद को एक मीटिंग रूम में बंद कर लेता है। सैलमन गुड जब किसी तरह से वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है कि वहां पर साइरस मिलर ने अपने साथ साथ उन सभी बच्चों की आंखें निकाल ली होती हैं और उसमें सारा का भाई हेनरी भी होता है। इसके बाद सभी गांव वाले जब अंदर आते हैं तो अपने बच्चों को देख करके काफ़ी बुरी तरह रोने लग जाते हैं, जिसमें सारा सबसे आगे बैठी हुई होती है और वहाँ पर साइरस मिलर वहाँ से हटता है और सारा फियर पर हमला करने ही वाला होता है कि इतने में सैलमन गुड उसको मारकर वहाँ पर उसे बचा लेता है, जिसके बाद पूरे गांव में इस बारे में दहशत फैल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी मीटिंग रूम में पूरे गांव वालों ने मिलकर के सभी मर्दों की एक मीटिंग बिठाई होती है, जहां पर हमें पता चलता है कि यह मनुष्यत सिर्फ उनके गांव में है। आसपास के सभी गांव अभी भी खुशहाल हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद हमें सजा दी जा रही है शैतान के द्वारा और इसके पीछे जो भी है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद थॉमस शराफियर और हना के बारे में बताता है और कहता है कि यही दोनों हैं जो इस श्राप के पीछे हैं, इन्हीं की वजह से पूरा गांव आज श्रापित है। और ये सारी बातें हना और शराफियर सुन रही होती हैं एक विंडो से। और यहाँ हम देखते हैं कि एक एक करके उस मीटिंग रूम में मौजूद सभी गाँव वाले कन्वेंस हो जाते हैं और उन्हें भरोसा हो जाता है कि इस श्राप के पीछे शरा और हना है, उन्हीं की वजह से आज ये पूरा गाँव आपदा से पीड़ित है। जिसके बाद पूरे गांव वाले उन दोनों को पकड़ने के लिए भागते हैं, बट यहां पर खुशकिस्मती से सराफियर वहां से भाग जाती है बट हना वहां पर पकड़ी जाती है। जिसके बाद ये सभी गांव वाले फैसला करते हैं कि सरा को पकड़ते ही इन दोनों को सुबह होते ही फांसी दे दी जाएगी। इसके बाद पूरा गांव वाला पागलों की तरह सरा को ढूंढने लगते हैं और सराफियर यहाँ पर किसी तरह से उस घर में पहुँच जाती है जहाँ पर हना को बंद किया हुआ होता है। वहाँ पहुँच कर वह हना से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। ये पूरे गांव वाले मिलकर के हम दोनों पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अब मैं सच में विडो के घर पहुंचकर उस किताब के जरिए शैतान से सौदा करूंगी ताकि मैं तुम्हें और खुद को बचा सकूं। जब वो सराफियर विडो के घर पहुंचती है तो वहां उसे वो बुक नहीं मिलती और वो देखती है कि वहां पर उस विडो को भी किसी ने मार दिया होता है। जिसके बाद वह सैलमन गुड के पास जाती है और उसे बताती है कि वो और हना दोनों बेकसूर हैं। वह कहती है कि किसी ने विडो को मार दिया है और साथ ही साथ उस शैतान की किताब को भी चुरा लिया है ताकि वह गांव का सौदा करके अपनी ताकत को बढ़ा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी गांव वाले सरा को ढूंढते हुए सैलमन गुड के घर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सैलमन गुड सरा को एक रूम में छुप जाने को कहता है। और जब गाँव वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनमें से एक शख्स सैलमन गुड से सरा को ढूंढने की बात कहता है, तो यहाँ पर सैलमन गुड उनसे यह कह देता है कि सरा यहाँ पर नहीं है और उनसे जाने को कहता है। पर वो शख्स बाहर जाने की बजाय ज़बरदस्ती अंदर घुसता है और तलाशी लेने की बात कहता है, जिसके बाद सैलमन गुड उसे धमकाकर बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डर के मारे सराफियर बेसमेंट में चली जाती है जहां पर उसे एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है। जब वह उस रास्ते के अंदर जाती है तो वहां वो देखती है कि एक शैतान का बड़ा सा सिंबल होता है और उसी के साथ साथ वहां पर वो किताब भी होती है। इतने में ही वहाँ पर सैलमन गुड आ जाता है और यहाँ पर सराफियर समझ जाती है कि इसके पीछे सैलमन गुड है, उसी ने विडो को मारा, वो बुक भी उसी ने चुराई थी। जिसके बाद सैलमन कहता है कि हाँ उसी ने ये सब किया क्योंकि उसकी किस्मत कभी भी उसका साथ नहीं देती और उसे ताकतवर बनना था। जिसके बाद सरा यहाँ पर उसे चाकू मार देती है और वहाँ से भागने की कोशिश में उस गुफा के और अंदर चली जाती है। सैलमन उसके पीछे आता है ताकि उसे पकड़ सके, वरना वह सारे गाँव वालों को यह बात बता देती। सरा रास्ता ढूंढते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां पर 1978 में सीबरमन और अलाइस पहुंचते हैं। यहां सैलमन पहुंच जाता है और दोनों के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें सैलमन गुड सरा का हाथ काट देता है और वह हाथ उसी पत्थर के पास वहीं गिर जाता है। जिसके बाद सराफियर खुद को किसी तरह से संभालती है और रास्ता ढूंढते हुए मीटिंग रूम के बेसमेंट तक पहुँच जाती है जहाँ से वह बाहर निकल सके। जैसे ही सराफियर बाहर पहुंचती है वहां पर सैलमन गुड भी पहुंच जाता है और उसे पकड़कर पूरे गांव वालों से यह कह देता है कि उसने डायन को ढूंढ लिया है। जिसके बाद सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और इन दोनों को लेकर के अगले दिन उस पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर उसे फांसी दी जा सके। जब सभी गाँव वाले उन दोनों को अपना गुनाह कबूल करने को कहते हैं तो यहाँ पर सराफियर सारे गुनाह अपने सर ले लेती है
वह कहती है कि उन काले जादू के पीछे वही जिम्मेदार थी और साथ ही साथ साइरस मिलर और बाकी के बच्चों की मौत की जिम्मेदार भी वही होती है। और वह हना मिलर को भी बेकसूर बताती है। वह कहती है कि उसी ने उसे बहकाया था। वह सब इसलिए कहती है ताकि वह हना को बचा सके। जिसके बाद सैलमोन गुड उसे फांसी देने के लिए रस्सी ऊपर डालता है, तो यहाँ पर सराफियर उसे श्राप देती है। वह उससे कहती है कि एक दिन तेरी सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी और मैं कयामत तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद सरा को फांसी दे दी जाती है और उसके डेड बॉडी को उसके फ्रेंड्स एक अनजान जगह पर दफना देते हैं ताकि किसी को भी ये पता ना चल सके कि उसकी बॉडी कहाँ पर है। और उन सभी को गुमराह करने के लिए वह एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में एक पत्थर डाल देते हैं जिस पर यह लिखा होता है कि डायन कभी नहीं मरती। तो अब ये कहानी प्रेजेंट में यानी कि 1994 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हमने पार्ट टू के लास्ट में देखा था कि डीना वो कटा हुआ हाथ सराफियर की बॉडी से जोड़ती है और उसे सराफियर का विजन दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो 1666 में पहुँच जाती है। तो अगर आपने पार्ट टू नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। इसके बाद कहानी हमारी 1994 में शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर डीना और हम सबको समझ आ जाता है कि सरा एक बेकसूर इंसान थी जिस पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, और इन सब के पीछे गुड फैमिली थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी शैतान से सौदा करती आई थी ताकि खुद को ताकतवर और खुशहाल कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शेरिफ निक गुड भी आ जाता है क्योंकि सीबरमन उर्फ जिगी ने उसे सारी बात बता दी थी। तो यहाँ पर डीना निक गुड को चकमा दे करके अपने भाई जोस्ट के साथ उसकी कार लेकर के सीबरमन के घर पहुँचती है और उसे सारी बात बता देती है कि इन सब के पीछे निक गुड और उसके पापा दादा और दादा के दादा शैतान से सौदा करते आए हैं। वह बताती है कि वह मरे हुए लोग सिर्फ इसलिए उनके पीछे पड़े थे ताकि हमें सच्चाई का पता ना चल सके, जो कि अब हम सब कुछ जान चुके हैं और अब वह सभी शैतान अब यहाँ पर आने ही वाले होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस गुफा में उस गंदी सी चीज़ से वह सभी शापित लोग जिंदा होने लगते हैं। इसके बाद डीना उन सबसे कहती है कि हम शैतान को नहीं मार सकते और ना ही उन्हें ख़त्म कर सकते, इसलिए हमें निक को ख़त्म करना होगा ताकि शैतान से किया हुआ सौदा भी वहाँ पर टूट सके। इसके बाद जोस अपने दोस्त मार्टिन से मिलता है जो कि एक छोटा मोटा चोर होता है, और ये चारों मिलकर के सेडीसाइड मॉल में जाकर के प्लान बनाते हैं, जिसके बाद मार्टिन के जरिए वह बंद पड़े चैम्बर्स को खोलते हैं ताकि उसमें उन सभी मरे हुए लोगों को बंद किया जा सके। और दूसरी तरफ डीना अपने खून को बाल्टी में डालती है जिसे पानी और कलर के साथ वह मिक्स कर देती है। उस खून के मिक्सचर को वह अलग अलग चैम्बर तक छिड़काव कर देते हैं ताकि सभी मरे हुए लोग उसे डीना का खून समझकर फॉलो कर सकें और यहाँ उन्हें उन चैम्बर्स में बंद कर सकें। बचा हुआ मिक्सचर वह अपनी अपनी पिचकारी में भर लेते हैं और जैसे ही वह शैतान यहाँ पर एंटर कर देते हैं वह अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। और यहाँ पर कुल चार शैतान आते हैं जिसे वह सक्सेसफुली बंद कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ निक गुड भी आ जाता है। और प्लान के हिसाब से जिगी उस पेड़ के पास खड़ी होती है जिसे देख करके निक गुड उसके पास जाता है और यहाँ पर जिगी उस पर वह खून का मिक्सर डाल देती है और उन चारों शैतान को छोड़ दिया जाता है ताकि वह निक गुड को मार सकें। बट यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सर जिगी के ऊपर भी गिर जाता है जिसे सुनकर एक शैतान उस पर भी हमला कर देता है और उसे बचाने की कोशिश करने के लिए डीना अपना हाथ काट देती है, जिसके बाद वो तीनों शैतान निक गुड को छोड़ देते हैं और निक गुड वहाँ से भाग करके नीचे बेसमेंट की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ ये तीनों भी खुद को बचा लेते हैं और एक चैम्बर में खुद को बंद कर लेते हैं और डीना भी वहाँ से किसी तरह से भागकर निक गुड के पीछे चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेम भी खुद को छुड़ा लेती है और डीना का पीछा करते हुए वह भी उस बेसमेंट में चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर रूबी और उसके साथ एक शैतान और आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीना निक गुड का पीछा करते हुए वहाँ उस गुफा तक पहुँच जाती है और उसके पीछे पीछे सेम भी आ जाती है जो उस पर हमला कर देती है। जब सेम डीना पर हमला करती है तो उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। निक गुड वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है और इस बात का फ़ायदा उठा करके वह वहाँ पर डीना के चाकू से उस पर हमला कर देता है, पर यहाँ पर डीना किसी तरह से खुद का बचाव करती है और यहाँ पर डीना और निक गुड के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें डीना किसी तरह से निक गुड का हाथ उस गंदी सी चीज़ पर रख देती है, जिसके बाद उसे वो सभी मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं जिस तरह से अलाइस को दिखाई देने लगे थे। और यहाँ पर निक गुड वो सब देख करके डर जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है,
और इस बात का फ़ायदा उठाकर डीना उसकी आँख में वो पूरा का पूरा चाकू डाल देती है। और यहाँ पर निक गुड मारा जाता है, जिसकी वजह से ये श्राप भी खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ वह तीनों भी मरते मरते बच जाते हैं, क्योंकि अब शैतान को पूजने वाला ही नहीं रहा, इसलिए उनका भी निशान मिट जाता है और सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। दूसरी तरफ डीना और जोस भी एक दूसरे से उसी जगह मिलते हैं जहाँ पर सराफियर की कब्र होती है। अब दोनों खुश होते हैं और एक दूसरे को किश करते हैं और यहाँ पर हमारी इस फाइनल एपिसोड का एंड हो जाता है। और अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए हो तो मैं आपको वो सरप्राइज सीन भी बता ही देता हूँ जो असल में उस मूवी के लास्ट में दिखाया गया था। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जब मूवी का एंड होता है तो हम देखते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन होती है और उस टनल को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, पर कोई गधा होता है जो उस मॉल के जरिए उस गुफा के अंदर एंटर करता है और वहाँ उस जगह पर पहुँच कर उस बुक को चुरा लेता है। तो हो सकता है कि इस सीन को इसलिए रखा गया हो ताकि इन द फ्यूचर कभी इसका सीक्वल निकालना हो तो उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े स्टोरी राइटिंग में। तो उम्मीद करता हूँ यार मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में।